Now let's check what are views. So views are actually a virtual table. So views are virtual tables. Now check this. Let's say हमारे पास में ये एक टेबल है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सैलरी और लेट्स से एम्प्लॉई जॉइनिंग डेट, और ये हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉई. नाउ वी वांट टू शेयर व्हाट एवर आर द एम्प्लॉई नेम्स अलोंग विद देयर जॉइनिंग डेट्स टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड और ऑल द डिपार्टमेंट्स, कि ये हमारे पास कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं और ये उनकी जॉइनिंग डेट्स है. तो ऑब्वियसली अगर लेट्स से आप यूज करोगे सेलेक्ट एस्ट्रेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय तो सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन आप एस्ट्रिक्स की जगह लेट्स से ई नेम कॉमा ई जॉइनिंग डेट ये लिखोगे तो ये दो कॉलम सिर्फ आएंगे. लेकिन ये क्या है, टेम्परेरीली, ये टेम्परेरीली आएगा. लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक टेबल उन डिपार्टमेंट्स को, सब डिपार्टमेंट्स को दे दें और उसके बाद वो उसमें से लेट्स से फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डिवाइड करना चाहते हैं, या ई जॉइनिंग डेट्स में से सिर्फ जनवरी की जॉइनिंग वाले डेट्स के पीपल निकालना चाहते हैं, तो वो कुछ भी मैनिपुलेशन उस पर कर सकें. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक वर्चुअल टेबल बना देंगे और वो वर्चुअल टेबल उनको शेयर करेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली सैलरी जो है एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो हम सारा शेयर नहीं करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देंगे. तो वर्चुअल टेबल का सिंटैक्स क्या है, जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे ऐसे ही वर्चुअल टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें नाम क्या होगा, क्रिएट व्यू इंस्टेड ऑफ टेबल, क्रिएट व्यू और फिर व्यू नेम एज, ये एलियास कर दिया. और एज में हम क्या लिखेंगे कि किस तरह की व्यू बननी है, तो इस टेबल के ऊपर व्यू बनना है तो इसमें से हमें ये दो कॉलम्स चाहिए, कोई नया कॉलम नहीं है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उनमें से ही बनाना है. तो सेलेक्ट लेट से हमें चाहिए ई नेम कॉमा ई जॉइनिंग डेट फ्रॉम, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हैं कॉलम नेम्स. इन यहां पे हम लिख रहे हैं कॉलम नेम्स फ्रॉम, अब यहां पे लिख रहे हैं हम किस में से, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय क्या है हमारी, टेबल नेम, तो ये है टेबल नेम. और उसके बाद में हम लिख सकते हैं वेयर कंडीशन, ये क्या है, ऑप्शनल. क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि लेट से मुझे सारा डेटा चाहिए नेम्स का और जॉइनिंग डेट्स का, तो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है. तो एक एग्जांपल देखिए, हम ये लिख सकते हैं क्रिएट व्यू और व्यू नेम हमने लिखा एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट्स, ओके ये नेम हो गया हमारा. एज और क्या डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी नहीं रख रहे हैं, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी टेबल नेम हो गई. और कंडीशन लगा रहे हैं लेट्स से वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, और जिनके नाम लेट्स से ए से स्टार्ट होते हैं सिर्फ वो वाले, या हम ये लिख सकते हैं कि ई जॉइनिंग डेट is greater than 1st January 1998 and e-joining date less than let's say 31st December 1999. तो अगर हमने let's say ये वाली condition लिखी तो सिर्फ उन employees का data जाएगा जिन्होंने 1st January 1998 के बाद join किया है और 31st December 1999 के पहले ज्वाइन किया है, ठीक है. और ऑब्वियसली आप ये कंडीशन अगर नहीं लगाओगे दोनों में से कोई भी, तो आपके पास सारी की सारी रोज उठ के आ जाएंगी, ठीक है. और ये हमारा परमानेंट एक व्यू बन जाएगा दैट वी कैन शेयर विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, और किसी को भी सैलरी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसके बारे में नहीं पता चलेगा, ओके.
सो दिस इज ऑल अबाउट व्यूज. थैंक यू.